नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और तैयार हो जाइए एक बार फिर से अपनी 90s की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 44-40 IC बेस्ड ये FLD फ्रंट लोडिंग डेक। और देख रहे हैं दोस्तों आप, LED बराबर जल रही है। और जो इसका डिज़ाइन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेक दिया गया है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग, जिसका कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों इस सेट में। रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, प्ले, स्टॉप, इजेक्ट, पॉज, और उसके बाद ये बेस लेफ्ट, ट्रेबल लेफ्ट और बेस राइट, ट्रेबल राइट, और टेप ऑक्स, लाउडनेस, पावर ऑन ऑफ। उसके अलावा राइट साइड में यहाँ पर जो है वॉल्यूम लेफ्ट और वॉल्यूम राइट के जो दो कंट्रोल हैं मैं वो मिल जाते हैं। तो यही सब है दोस्तों इसके इंटरफेस के बारे में। बाकी इसकी इंटरनल कंडीशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों 44-40 IC का सर्किट इसमें लगा हुआ है सेलकॉन कंपनी का, और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है जिस तरह के सेट हैं, क्योंकि दोस्तों उस टाइम एक दौर था जब ये वाले डेक बहुत बिकते थे, बहुत सेल होते थे। खास बात ये थी दोस्तों कि 44-40 जो IC था वो DC 12 वोल्ट से बहुत अच्छा जो आउटपुट देता था, और उस दौर में बहुत सी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या रहती थी। जैसे मेरा खुद का जो घर है मेरे गांव में, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती थी। तो बैटरी से ये चीज़ें ऑपरेट हो जाती थी, जैसे बैटरी से ये डेक प्लेयर चलता था, उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट TV चलता था। तो बहुत सारे काम बैटरी पे जो आधारित थे, उन्हीं सब चीज़ों से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये ब्रांड न्यू है, यूज्ड सेट नहीं है। थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, वो मैं आपको बता दूँ कि रखे रखे ये जो टोन कंट्रोल होते हैं ये सूख जाते हैं दोस्तों। तो ये जो 6 के 6 कंट्रोल्स हैं ये सब बदल दिए गए हैं, ये रिप्लेस कर दिए हैं। अभी नया इसमें टोन कंट्रोल है और नया ही सेलकॉन का सर्किट लगा हुआ है। और इसके अलावा जो ये 3 बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, टेप, ऑक्स, तो ऑक्स का इसमें ये यूज़लेस है दोस्तों, क्योंकि ये जो कैबिनेट बना था इसमें ऑक्स का कोई सॉकेट नहीं था। कंपनी जो बनाती थी उस टाइम वो क्या काम करते थे कि फीचर्स ऐसा दिखाते थे जिससे अच्छा लगे, लेकिन कॉस्ट कटिंग जो उनकी लागत है वो कम आए, तो ऑक्स की फंक्शनैलिटी नहीं देते थे। ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि बटन तो दे दिया यहाँ पर टेप ऑक्स, तो लेने वाला समझ जाएगा कि इसमें ऑक्स का ऑप्शन है, लेकिन पीछे ऑक्स का सॉकेट ना दे के उन्होंने सॉकेट का पैसा बचा लिया। तो इस तरह से वो लोग काम करते थे यार, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑक्स का कनेक्शन करना किसी भी डेक प्लेयर में बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा सर्किट के ऊपर, जहाँ पर हमारे प्री हेड सर्किट से और पावर एम्पलीफायर में इनपुट होता है, वहाँ से बीच में से कनेक्शन कट करके वो ऑक्स का इनपुट दिया जा सकता है। बाकी रही बात इसकी बैक साइड की, तो चलिए बैक साइड से भी देखेंगे, उससे पहले से टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। बॉलीवुड या हिंदी गाने की टेस्टिंग वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से है, जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पर चलाना संभव नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर हो जाती हैं। तो ये वही कैसेट है दोस्तों, इसमें उतना अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप टेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करिए, मैं वहाँ आपको वो शेयर कर दूँगा। प्ले करते हैं। तो ये कैसेट कहीं से रिकॉर्डेड है, कहीं से ब्लैंक है, इसी तरह का है थोड़ा। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आपको साउंड की क्वालिटी
समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं वहाँ पर हिंदी गाने का वीडियो आपको सेंड कर दूँगा। बाकी मैं आपको यकीन दिला दूँ कि अच्छी साउंड क्वालिटी है दोस्तों इसकी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए बैक साइड से इसे देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका बैक साइड, पावर कोड, डीसी सॉकेट और ये एक स्पीकर, दूसरा स्पीकर, बाकी कुछ और नहीं मिलता है। बाकी टू वे स्पीकर सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपर साउंड, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा